I'm very open and very frank, even coming from the regiment, then they say that, you know, nine is the best. Why nine is the best? What makes it the best? You know, you are not there part of the organization. It's there in your blood. It's there everything. But I will again ask, why, you know, why is it's that nine is the best? Drills, common sense. हम लोग ड्रामा नहीं करते, हम कहीं टीवी पिक्चर पे नहीं आते, हम कहीं किसी और को बताने के उसमें नहीं रहते कि हम कौन है क्या है, हमें किसी बाहर की दुनिया से इंटरेस्ट नहीं है। आवर एंटायर फोकस इज ऑन आवर जॉब, इट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। हमें पता है कि बाहर की दुनिया में ये है ना, उरी पिक्चर के बाद बड़ा बहुत तालियां बजी हैं, सडनली एवरीबॉडी वांट्स ओ स्पेशल फोर्सेस ये वो दिस दैट। भाई ये तो अभी हुआ है, इतने साल से बहुत कुछ चल रहा था। And that is the professionalism of nine, that nobody has ever known outside ki what the hell does this battalion do. Correct. Right? So the greatest thing about, or the reason why nine is so effective, is because it is highly, highly professional. It is interested only and only in its task and not interested in glory or uniform or beret or this or that. It is not interested in all of those things. Those are outside things. ठीक है, आप मेरे को आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में भेज दोगे, मैं वही काम करके आ जाऊंगा जो मैं यूनिफॉर्म पहन के करूंगा। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, सो नाइन बेसिक थिंग इज सिंप्लिसिटी, वेरी वेरी सिंपल, ग्राउंड थिंग्स। ठीक है, पहली बात तो हम बंदे को, जो जब बंदा हमारे पास आता है, वी सिलेक्ट दैट गाय ऑन एंट्री, उसको ऐसा भूत बनाते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आती है और उस सच्चाई को हम देखते हैं कि ये सच्चाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो एट सिलेक्शन वी चूज पीपल लाइक दैट। ठीक है, फर्स्ट थिंग, देयर इज सेकंड थिंग इज वंस द पर्सन इज इन सिंपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट फॉर प्रोबेशन टू नाइन पैरासेफ, गेट के अंदर घुसा, मेरे को दो चार गाली वाली पड़ी, जो कुछ भी होना था हुआ, है ना, वहीं से ही रगड़ा शुरू हो गया। स्ट्रेट अवे टू द कोर्ट, माय फर्स्ट विजिट वाज टू द एडजुटेंट, सेकंड विजिट वाज टू द आर्मरी ऑफ द बटालियन, राइट, एंड आई वाज हैंडेड अ लाइव AK-47 लाइव। कोर्ट खोल दिया ना, बोला साहब अपना हथियार लो, सिलेक्ट योर वेपन एंड टेक इट, इट्स योर्स। तो मैं गया अंदर, मैंने एक वो बाकी लोग वो फोल्डिंग बट वाला AK ले रहे थे कि ये BPT भागते टाइम इजी होगा। I took the wooden stock AK, ठीक है, fixed butt लिया मैंने, वो रोमानिया AK, रोमानिया बोलते, वो टक करके चढ़ती अच्छी थी, and I picked up that weapon and six months that weapon was with me, it did not go back into the armory. I used to, when I was shitting, I used in my hand, when I was sleeping, it was tied to me, when I was eating, it was on my lap, when I was rolling, it was between my knees. ठीक है, that AK-47 never left touching my body for 6 months. 6 महीने वो मेरे body के साथ contact में था, right? And that is a thing which came into combat. It became a piece of my body. It was like pointing a hand, pointing a finger. जहां पॉइंट करूंगा गोली वहीं लगेगी। ठीक है, सो दिस इज अ ड्रिल, इट्स अ सिंपल ड्रिल। ठीक है, बाकी लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, नाइन में चलता है। ठीक है, अब तो क्या बोलते हैं, सो लाइक दिस दिस सिंपल ड्रिल्स, एंड वी डोंट अंडरएस्टिमेट एनीवन।